पिथौरागढ़ में एक बैंक कर्मी ने महिला को अपने ही बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे में लिया। महिला से करीब 1.5 लाख रुपए भी लिए और कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। महिला और उसके पति ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली धारचूला के कई चक्कर काटे, लेकिन आरोपी और उसके परिचितों की पहुंच के आगे उनकी एक न चली। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील निवासी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी कार्यालय में तहरीर दी। पीड़िता के पति ने बताया कि वो एक वाहन चालक है और उसकी पत्नी रेस्टोरेंट चलाती है। एक बैंक की धारचूला शाखा में तैनात कर्मी से उनकी पत्नी की पहचान हुई। बैंक कर्मी का रेस्टोरेंट में रोज आना जाना शुरू हुआ। पति अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी बैंक कर्मी ने पत्नी को झांसे में लिया। महिला को बैंक में नौकरी दिलाने की बात कही। इसके बदले में महिला का उसने कई बार शारीरिक शोषण किया और करीब 1.5 लाख रुपए भी ले लिए। मामला सार्वजनिक करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता और उसका पति आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली के चक्कर काटते रहे, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ।